हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने जो लाइक्स किए और जो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ आया हुआ हूँ और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है दोस्तों, इसलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसे फैक्ट्स जो कि एक्सपीरियंस स्टूडेंट के हैं और उन एक्सपीरियंस की बदौलत आप कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कर सकेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर कुबरे, एसोसिएट प्रोफेसर गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, आप लोगों के लिए ये नया वीडियो लेकर आया हूं। आज हम बात करेंगे कोचिंग की। दोस्तों, क्या कोचिंग बहुत ही जरूरी है? क्या कोचिंग के बगैर हम तैयारी नहीं कर सकते? या कोचिंग कितनी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए? जी हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि कोचिंग, कभी भी किसी भी कोचिंग में आप जाएं तो कोचिंग सेंटर्स के बारे में पहले पूरा रिव्यू लें, लोगों से फीडबैक लें और कोचिंग सेंटर्स की एक्टिविटीज, कोचिंग सेंटर्स के पढ़ाने का तरीका और वहां की सारी एक्टिविटीज को आपको पहले से जानना जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आपके लिए सिर्फ टेस्ट नहीं होते हैं, वो आपका आईक्यू टेस्ट हो रहा होता है, वो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा होता है और सबसे इम्पोर्टेंट, ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा होता है। इसलिए जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो रीजनिंग पावर के साथ या कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे। इसलिए कोचिंग सेंटर्स आपको प्रोवाइड करते हैं ऐसे नोट्स जो कि इन रीजनिंग वाले, इन ट्रिकी क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं। तो कोचिंग सेंटर्स में जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल हैं और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स में 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन नोट्स को पढ़कर ही सक्सेस हुए हैं, इसलिए ये नोट्स आपके लिए बेहद जरूरी हैं। दोस्तों, कोचिंग सेंटर्स में जाके पढ़ाई करना या फिर अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर्स के साथ पढ़ना ज़्यादा जरूरी है, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आपके लिए बेहतर है कि आप कंबाइंड कोचिंग सेंटर्स में ही पढ़ाई करें, क्योंकि इससे आपका काफ़ी समय बच जाता है, काफ़ी एनर्जी बच जाती है, जिससे कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और सेल्फ स्टडी, डीप स्टडी, डेप्थ में स्टडी करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तभी आप फुल्ली फोकस होके, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ पा रहे होते हैं। इसलिए आपको कंबाइंड कोचिंग में ही जाना चाहिए। दोस्तों, स्टडी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए? क्या टेक्स्ट बुक ज़्यादा पढ़नी चाहिए, एमसीक्यूज ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए या फिर कंबाइंड दोनों चीज़ें, या ऐसा क्या स्टडी मटेरियल में होना चाहिए जो कि आपको सक्सेस दिलाएगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी की बुक्स आपको प्रेफर करनी है। दोस्तों, 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स नोट्स को प्रेफर करते हैं और वो इसीलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि ये नोट्स आपकी बुक्स को भी कवर कर रहे होते हैं, आपके एमसीक्यूज को भी कवर कर रहे होते हैं और आपकी रीजनिंग, आपकी ट्रिकी क्वेश्चंस, ये सारे अच्छे मटेरियल्स कवर कर रहे होते हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स में जो फैकल्टी होती है, जो टीचर्स होते हैं, वो कई सालों का एक्सपीरियंस उन नोट्स में देते हैं और इसलिए आपकी जो स्टडी डिज़ाइन है, स्टडी मटेरियल्स है, वो इस तरह के होने चाहिए दोस्तों कि नोट्स सबसे वैल्यूएबल हैं, कोचिंग के नोट्स, उन्हें नहीं छोड़ना है। इसलिए आपको 100% मैं एडवाइस करूंगा कि कोचिंग सेंटर्स के नोट्स आप प्रेफर करें। एमसीक्यूज किस तरह के होने चाहिए? गाइड्स जो एमसीक्यूज की होती है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं, लेकिन ऐसी एमसीक्यू गाइड आपको प्रेफर करनी है जो सभी ऑप्शंस को डिटेल में समझाए, क्योंकि आज जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया जाएगा अगले साल के लिए, या हो सकता है आने वाले सालों में वो वैसा क्वेश्चंस स्ट्रक्चर्ड ना हो, कुछ डिफरेंटली स्ट्रक्चर्ड हो, इसलिए आपको चारों ऑप्शंस के बारे में डीप में पता होना बेहद जरूरी है दोस्तों। इसलिए आपको एमसीक्यूज गाइड ऐसी पढ़नी है जो कि डिटेल में उसे समझाए। दोस्तों, अब जो जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं, ये की पॉइंट्स हैं, ये बेहद ही जरूरी है, तो प्लीज
बिल्कुल ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज, आपको चीजों को रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सब्जेक्ट को समझना है, क्योंकि आप सब्जेक्ट पूरे सब्जेक्ट को, पूरे कोर्स को, पूरे सिलेबस को रट नहीं सकते हैं दोस्तों, लेकिन हाँ पूरे सब्जेक्ट को समझ जरूर सकते हैं। इसलिए रटने की आदत अगर आपकी है तो उसे आज ही रोक दीजिए और आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप हमेशा पॉजिटिव रहें, सेल्फ बिलीफ रखें, अपने आप पर भरोसा रखें और मोटिवेटेड रहें। कभी भी अपने आप पर अनरियलिस्टिक प्रेशर या किसी भी तरह का निगेटिविटी को नहीं एंटर होने दें, आप हमेशा पॉजिटिव सोचें। आप बिल्कुल सक्सेस हो सकते हैं और आप सक्सेस होने वाले हैं, इस तरह का एटीट्यूड रखिए अपने आप में। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोचिंग सेंटर्स में जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो आपके लिए बेहद ही जरूरी है। 95% स्टूडेंट्स उन नोट्स के थ्रू ही प्रिपरेशन करते हैं और आज सक्सेसफुल है। दोस्तों फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन पे ध्यान जरूर दें, क्योंकि जो रिपीटेडली क्वेश्चंस हर साल आ रहे हैं या पिछले कुछ सालों में आ रहे हैं उन पे ध्यान देना बेहद जरूरी है, हो सकता है वो इस साल भी रिपीट किए जा सके, इसलिए फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस पे ध्यान जरूर दें। अगर आप कोचिंग सेंटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो भी चिंता वाली बात नहीं है, आपका कोई भी फ्रेंड, कोई भी साथी जो कोचिंग सेंटर्स में प्रिपरेशन कर रहा है उससे आप नोट्स ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन सर्च करके भी कई मटेरियल आप ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन जारी रख सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और प्लीज हिट द बेल आइकॉन, तो आपको मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, लेकिन आने वाले समय में मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।